तो गाइस स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की रिव्यू सीरीज़ में जो है कैरेटीन है, ये मोनोहाइड्रेट कैरेटीन, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया। तो मैंने न्यूट्राबे का मंगाया ये। तो अगर आपको मेरे चैनल पे रिव्यूज़ वीडियो चाहिए जिसपे जो था, मैं प्रोडक्ट को पहले खुद जनरली टेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि प्रोडक्ट में क्या है और क्या नहीं है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो दे सकते हैं। तो उसके लिए मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सेम इसी केस में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में न्यूट्राबे का काफ़ी 699 का ये अप्रॉक्सीमेट जो है एज इट इज़ के प्राइस में मिल रहा था। तो अगर आपने MB का देखा होगा तो उसका काफ़ी महंगा था, इसलिए मैंने न्यूट्राबे का मंगाया। तो ये मुझे दो दिन में लुधियाना से इसकी डिलीवरी आई, मुझे दो दिन में आ गई है। तो सिंपल सी पैकिंग है, बॉक्स पैकिंग सिंपल सी। तो बिल वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। 699 का मुझे पड़ा था विद कॉइन्स डाल के, जो है मुझे ये 567 का पड़ा था अप्रॉक्सीमेट, नहीं कॉइन डाल के सॉरी 630 कुछ अप्रॉक्सीमेट का पड़ा था। तो ये माइक्रोनाइज्ड प्योर सीरीज़ है। तो पैकिंग देखोगे आप, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का पैकेट है। इसमें आपको अगर मुझे याद हो तो कहीं पे स्क्रैच कोड मिलता ही है, ठीक है। तो ये MRP रेट पे गया हुआ है, MRP भी 699 है और इन्होंने मुझे बेचा भी 699 में, मतलब कोई इन्होंने लेस नहीं किया मुझे, खाली कॉइन्स लगे जो मेरे फ्लिपकार्ट के वही हैं इसमें। तो न्यूट्राबे की अगर हम को विजिट करेंगे, पहले स्क्रैच करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्क्रैच कर लेते हैं इसको। तो ये कोड है, ठीक है, इन्होंने बोला न्यूट्राबे टू वेरीफाई, विजिट neutrabe.com वेरीफाई LC। अच्छा जी, तो इन्होंने लिखा है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने लिखा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टैग लगोगे, आप देखोगे रेड क्लियर आगे लगा लगा टैग, एक ये लगा, मीन्स ये पहले भी जो है इंपोर्टेड हुआ उनके पास, फिर उन्होंने मेरे पास भेजा। तो खैर, हमें क्या लेना चीज़ से लगे रहने उसको। तो जिप लॉकिंग है, जिप की अगर बात करूँ तो मुझे इसमें देखो, मैंने अभी देखा नहीं इसको खोल के, बट एज पर जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको साफ़ कर देता थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दो जिप हैं, एक जिप नीचे है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही जिप होगा, इसमें देखते हैं। तो उससे पहले 250 ग्राम का ये है, ठीक है। तो मुझे ये काफ़ी अलग लगा कि 699 का MRP, उन्होंने मुझे MRP भी दे हुआ है। तो ऐसा होता नहीं है, जिस अगर आप उठाओगे किसी अदर ब्रांड का तो कुछ डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका चेक करते हैं इसमें। तो उससे पहले हम इसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कैन एक बार कर लेते हैं, उसको पोस्ट करता हूँ वीडियो को। तो गाइस, इसका मैंने अभी कोड स्कैन करा, वो मैंने स्किप कर दिया पार्ट। तो कोड इसमें खाली ये लिख रहा है कि प्रोडक्ट जो है ऑथेंटिक है, और आपको मतलब कुछ और बैच नंबर वगैरह इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, जैसे और बैच नंबर देते हैं, जैसे इसमें N16146 है, उसमें सिर्फ इतना दिया कि योर प्रोडक्ट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो अब इसमें दूसरी बात करते हैं कि MRP का मुझे जैसे झोल लग रहा है, बिकॉज अगर इसमें देखोगे मैनुफैक्चरिंग डेट आपकी 10 है 10 2021, मतलब अक्टूबर 2021, और अभी है इस टाइम आपकी अप्रैल 2022, यानी 6 महीने, यानी उस टाइम पे इसका जो MRP था वो 699 का था, ठीक है। तो कंपनी ने उस टाइम इसको सस्ते रेट पे बेचा होगा, डिस्काउंटेड रेट पे बेचा होगा, बट अब जैसे कि प्रोडक्ट जो है 699 है, इसके ऊपर MRP का टैग नहीं लगा सकती कंपनी, इसलिए इसको जो है इस रेट पे बेच रही है कंपनी। मे भी हो सकता है कि कंपनी को उस टाइम जो होगा 400 अप्रॉक्सीमेट का बेचा होगा कंपनी ने। तो इसको हम काट देते हैं ज़रा, मैं चाहता हूँ गाइस कि ये ख़राब से ना फटे, बिकॉज जब ये ख़राब पड़ता देखने में बड़ा ख़राब से लगता है ये। तो या तो आपका सीजर होगी तो आप उसे काट दीजिए, या अभी आपने शायद नोटिस करी होगी एक बात कि जैसे मैंने इसको फाड़ा, इसमें से कुछ कैरेटीन जो है उछल के नीचे गिरा, मीन्स जिप लॉकिंग उस पर जो थी नहीं लगी थी। तो काफ़ी केयरफुली आपको उसको खोलना पड़ेगा। तो मीन्स अगर कंपनी वो रेट पे दे रही है, मतलब कंपनी अप्रॉक्सीमेट, अब देखो इसमें बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो इसको काफ़ी केयरफुली आपको खोलना पड़ेगा, बिकॉज ये उछल के आपके मुँह पर गिर सकता है। तो आपको पता है कि कैरेटीन का 1-1 ग्राम कितना महंगा है, मीन्स अगर हम 1 ग्राम की कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ेगा 1 ग्राम की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट ये पड़ेगा अगर आपको 250/700 का, यानी 25 ग्राम आपको पड़ा 70 का, यानी आपको 25 ग्राम पड़ा 70 का, यानी 2.5 ग्राम पड़ा 7 रुपये का, यानी अप्रॉक्सीमेट आपको 2 ग्राम पड़ेगा आपको ये अप्रॉक्सीमेट 1.8 अप्रॉक्सीमेट रुपीस, 1.8 रुपीस के आसपास। तो गाइज थोड़ा आप देख लेना मेरे को बिना एग्जैक्ट नहीं है। तो इसका मैंने देख लो, टेक्स्चर आप देखोगे वाइट होता है, क्रिएटिन कोई भी ले लो आप, किसी भी कंपनी का ले लो, तो टेक्स्चर उसका क्रिस्टल वाइट होता है एकदम। अगर स्कूप की बात करें, इसमें स्कूप जैसे कि जो हमारा एज इट इज़ में स्कूप होता है वो होता है हमारा 5 ग्राम्स का, इसका स्कूप अगर हम चेक करें तो गाइस इसका स्कूप थोड़ा बड़ा है बट हाइट में छोटा है। तो एज इट इज़ का स्कूप जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं तो ये डेफिनेटली नहीं यूज़ करने वाला, बिकॉज ये जो है काफ़ी बड़ा स्कूप है, हमें चाहिए 3-5 ग्राम के बीच में, ठीक है। तो इतना बड़ा स्कूप लेके हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसका हम सैंपल चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये बाकी की तरह की थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन 3.5 ग्राम का अप्रॉक्सीमेट कंपनी क्लेम करती है कि इनका स्कूप जो है 6 ग्राम का है, यानी हाफ स्कूप है 3 ग्राम का। तो मैक्सिमम लिमिट इतनी रहती है कि स्कूप पे अगर आप देखोगे तो न्यूट्राबे की ब्रांडिंग लगी है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्राबे लिखा, यहाँ पे लिखा 7.5 ml, मतलब 7.5 ml की अप्रॉक्सीमेट है, कोई नहीं वो शायद ml है और ये ग्राम है, तो ग्राम में वेट थोड़ा
कम हो जाएगा। तो इसको हम चेक करते हैं इसकी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ 3 ग्राम के अप्रोक्सीमेट लूँगा, यानी इतना इतना मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि एक बार में इतना ज़्यादा डोज आप ले नहीं सकते। स्टार्टर बिगनर्स जो है उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में वो 2 या 3 ग्राम से स्टार्ट करें, फिर जब एक्सट्रीम वर्कआउट के टाइम जो है वो उसका डोज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ। तो जो मेरा कैरेटीन पीने का सबसे बेस्ट तरीका है वो कि मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, उसके ऊपर जो स्कूप का मैं जो भी स्कूप के अंदर जो भी मटेरियल उसको मैं गिरा देता हूँ। सेम गाइस, कोई चेंज नहीं इसमें, ये बाकी ब्रांड्स की तरह सेम है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वो कम हो, उसमें इफेक्ट आपको कम लगे, बट मुझे सेम लगा बाकी ब्रांड्स की तरह। अगर हम अब कंपनी के क्लेम्स की बात करते हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं, अगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका स्कूप जो अपनी जगह पे सही बना रहे, बिकॉज स्कूप अगर आगे पीछे होगा तो उसको निकालने में काफ़ी, जिप लॉक इसका बहुत अच्छा है। जिप लॉक जो है, जो हमारा एज इट इज़ है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा जिप लॉक है इनका। ठीक है, तो इसकी आप उससे पहले गैस निकालने बंद करने से पहले जो उसमें भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको मैंने पूरा कर दिया बंद। ठीक है, बाकी पैकिंग जो है, पैकेट जो है एज इट इज़ की तरह ही है, सेम पैकेट जो कि खड़ा रहता है, बट क्वालिटी का पैकेट जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी पर्सनली। तो अब बात करते हैं, इसमें वीगन फ्रेंडली लिखा हुआ उन्होंने, सेकंड लिखा है नो प्रिजर्वेटिव, नो बैन सब्सटेंस, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, स्टीरॉइड फ्री, टेस्टेड फॉर प्योरिटी। तो ये कुछ एक है। तो इसमें लिखा है शेकर और ग्लास में लेना आपको 200 ml, देन इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। हाउ शुड यू कंज्यूम इमीडिएटली, ठीक है। डिस्क्लेमर में लिखा है प्रोडक्ट इज फॉर किसी डिसीज़ को क्योर नहीं करता। अगर हम देखते हैं इसका फैक्ट्री, देखो 83 सर्विंग्स, अगर हम 3 ग्राम के हिसाब से ले तो 83 सर्विंग्स हैं। बाकी इसमें कैरेटीन मोनोहाइड्रेट है सिर्फ 100 ग्राम मीन्स 250 ग्राम में 250 जो प्योर कैरेटीन है, वो भी माइक्रोनाइज पाउडर है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। वेजिटेरियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनका अपना एड्रेस है जो वो आपका रेडिकुला फार्मेट मार्केटेड बाय रेडिकुला है। ठीक है, एंड उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभ्यास फार्मर्स है, ये आपका दिल्ली में पड़ता है। सर्टिफिकेट इनका आईएसओ बहुत पुराना है, ये 2000 मेरे ख्याल 20 चल पड़ा है, तो इनके अलावा 2005 का पुराना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाया इन्होंने। बाकी मुझे MRP पड़ा है, बाकी आप इसको ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का। मुझे पहले लगा था कि न्यूट्रावे, अब मैंने इसका मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा, इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसका वे मंगाऊँ, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट 1350 के आसपास पड़ रहा है। तो जब इनका कैरेटीन अच्छा, तो जाहिर सी बात है वे भी अच्छा होगा जब MRP भी बेच रहे हैं इसको। तो गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।